हेलो दोस्तों, कैसे आप? स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल देखना ब्लॉग्स में। और दोस्तों, आज हम पहुंच चुके हैं उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में। और ये भुवनेश्वर में मौजूद नंदनकानन चिड़ियाघर है। और आज हम आपको यहाँ के बारे में ए टू जेड सभी जानकारी देने वाले हैं, आपको पूरा चिड़ियाघर दिखाने वाले हैं, इसके बारे में बताने वाले हैं यहाँ पर क्या क्या है और क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं, कैसे आना है, क्या इसका टिकट प्राइस है, ए टू जेड सब कुछ। तो बने रहे मेरे साथ मेरे वीडियो में, क्योंकि हम आपकी यात्रा को बनाते हैं सबसे आसान। तो बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखिए, आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। और हाँ दोस्तों, अगर आप मेरे भी चैनल पे मेरे वीडियो पे पहली बार हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि मैं आपको ऐसे ऐतिहासिक स्थल और स्थान वीडियो के माध्यम से दिखाता रहूँ, आप तक पहुँचाता रहूँ और आपकी यात्रा को मंगलमय बनाता रहूँ। दोस्तों, नंदनकानन चिड़ियाघर खुलने का समय सुबह के 8 बजे से शाम को 5 बजे तक रहता है। और नंदनकानन चिड़ियाघर में मौजूद सफारी पार्क का खुलने का समय सुबह 8 से 4 बजे तक रहता है। और यह चिड़ियाघर सप्ताह के प्रत्येक सोमवार को बंद रहता है। अगर आप नंदनकानन में जंगल सफारी का मज़ा लेना चाहते हैं और सफ़ेद बाघों को देखना चाहते हैं तो दोस्तों ठीक ये रास्ता जंगल सफारी को जाता है। और इसका चार्ज बस से 1% का 100 रुपये का है। और ये हमें जंगल सफारी 45 मिनट तक घुमाते हैं। नंदनकानन चिड़ियाघर का एंट्री टिकट 1% का 50 रुपये का है। अगर आप टॉय ट्रेन से नंदनकानन चिड़ियाघर घूमना चाहते हैं तो 1% का 30 रुपये चार्ज है। और इस तरह की टॉय ट्रेनें हैं जो आपको पूरा नंदनकानन चिड़ियाघर घुमाती हैं। नंदनकानन चिड़ियाघर आने के लिए आपको कहीं से भी ट्रेन पकड़ के सबसे पहले आना होगा उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर। और भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन जैसे ही आप बाहर निकलेंगे, वहाँ से आपको लोकल बसें, लोकल ऑटो मिल जाएंगे जो नंदनकानन चिड़ियाघर पहुँचाने का 50 रुपये से लेकर 100 रुपये तक का चार्ज करते हैं। अगर आप जगन्नाथपुरी आए हैं तो वहाँ से नंदनकानन चिड़ियाघर घूमने आना चाहते हैं तो वहाँ से आपको बस पकड़ के आना होगा। बस का चार्ज वहाँ से यहाँ आने का 100 रुपये है। दोस्तों, ये उड़ीसा का इकलौता चिड़ियाघर है जिसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ आपको देखने और इन्जॉय करने को मिलती है। इस चिड़ियाघर में बहुत बड़ी झील बनी है और झील में अगर आप बोटिंग करना चाहते हैं, आप 2 पर्सन हैं तो 50 रुपये, 4 लोग हैं तो 100 रुपये और 6 लोग हैं तो 150 रुपये चार्ज करते हैं बोटिंग करने का। दोस्तों, इस चिड़ियाघर में रोपवे भी है जिसे मैं आपको आगे दिखाऊंगा और उसके बारे में बताऊंगा। नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क 1,080 एकड़ में फैला वनस्पति उद्यान है। और इसे 1960 में स्थापित कर इसे 1979 में जनता के लिए खोल दिया गया था और 2009 में वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ जूज एंड एक्वेरियम ने शामिल हुआ था। यह भारत का पहला चिड़ियाघर बन गया। इसमें एक वनस्पति उद्यान भी है और इसके एक हिस्से को अभयारण्य घोषित किया गया है। और नंदनकानन जिसका शाब्दिक अर्थ होता है स्वर्ग का बगीचा। इस चिड़ियाघर में 166 प्रकार की प्रजातियां हैं और लगभग 1660 जानवर और पंछियों का घर बना हुआ है। अगर आप नंदनकानन बैटरी व्हीकल से घूमना चाहते हैं तो इसमें 1% का चार्ज 80 रुपये पड़ता है। लेकिन अगर आप पैदल घूमते हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। ये नंदनकानन प्राणी उद्यान भारत का एक प्रमुख बड़ा चिड़ियाघर है। और देश के अन्य चिड़ियाघरों के विपरीत नंदनकानन जंगल के ठीक अंदर बनाया गया है और पूरी तरह से यह प्राकृतिक वातावरण में स्थित है। जानवरों को वास्तविक जंगल की अनुभूति हो सके, इसके साथ हरियाली में बाड़ों में रखा जाता है और वो शिकारी का शिकार बनने के किसी भी डर या आशंका के बिना रहते हैं। अब हम आपको जंगल सफारी में मौजूद रोपवे को दिखाते हैं और उसके बारे में बताते हैं। दोस्तों, इस रोपवे में सफ़र करने का 1% का चार्ज 120 रुपये है। अगर आप नंदनकानन आएँ तो रोपवे में ज़रूर बैठें, क्योंकि चिड़ियाघर घूमने का और एंजॉय करने का मज़ा दुगना हो जाता है। और हाँ दोस्तों, अगर आप नंदनकानन चिड़ियाघर देखने, घूमने, यहाँ की सारी एक्टिविटीज़ एंजॉय करने आ रहे हैं तो आप सुबह के 9 बजे तक हर हाल में चिड़ियाघर आ जाएँ, क्योंकि चिड़ियाघर काफ़ी बड़े एरिया में फैला हुआ है और यहाँ पर काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ है तो जिन्हें इन्जॉय करने के लिए आपको भरपूर समय लेके आना होगा। अगर आप नंदनकानन सुबह के 9 बजे पहुंच जाते हैं तो आप अच्छे से चिड़ियाघर को घूम सकते हैं और यहाँ मौजूद सारी एक्टिविटीज़ को एंजॉय कर सकते हैं। और हाँ दोस्तों, एक चीज़ का और आप इसे ध्यान रखिएगा, इस चिड़ियाघर में रोपवे, बोटिंग और जंगल सफारी की टाइमिंग शाम के 4 बजे तक ही रहती है। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और आप मुझसे इस नंदनकानन यात्रा संबंधित किसी अन्य जानकारी के लिए मेरे द्वारा दी गई जानकारी के अलावा भी अगर आप कोई जानकारी चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। नंदनकानन चिड़ियाघर में बाघों की जितनी भी प्रकार की प्रजातियां होती हैं वो सारी प्रजातियां आपको इस नंदनकानन चिड़ियाघर में देखने को मिलेंगी। और हाँ दोस्तों, नंदनकानन भारत का एकमात्र चिड़ियाघर है
जिसके नाम पर एक एक्सप्रेस ट्रेन चलाई जाती है जो कि नई दिल्ली से पूरी तरह चलती है और इस ट्रेन का नाम नंदनकानन एक्सप्रेस रखा गया है। अगर आप लोग उड़ीसा आएँ तो नंदनकानन चिड़ियाघर घूमना बिल्कुल भी मत भूलें, क्योंकि यह चिड़ियाघर भारत का एकमात्र चिड़ियाघर है जिसे बहुत सारी एक्टिविटीज आपको देखने और करने को मिलती है। दोस्तों, अगर भारत के सबसे बड़े चिड़ियाघर की बात की जाए तो चेन्नई में मौजूद है, जिसे अर्गिनार अन्ना जोलेस्कर पार्क बोला जाता है, जो कि 1300 एकड़ में फैला हुआ है। अगर भारत के सबसे छोटे चिड़ियाघर की बात की जाए तो वो हरियाणा में मौजूद है, जिसे तिलियार मिनी चिड़ियाघर बोला जाता है। और अगर भारत के सबसे पहले चिड़ियाघर की बात की जाए तो 1855 में चेन्नई में ही खोला गया था। और दोस्तों, आपके सबसे बेस्ट चिड़ियाघर कौन सा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आप कौन सा चिड़ियाघर देखना और घूमना चाहते हैं वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वैसे नंदनकानन चिड़ियाघर घूमने और एंजॉय करने यहाँ साल भर टूरिस्ट आते हैं, लेकिन यहाँ पर सबसे ज़्यादा टूरिस्ट और सबसे सही समय यहाँ आने का नवंबर से फरवरी के बीच होता है। अगर आप बाहर दूसरे राज्य से उड़ीसा या नंदनकानन चिड़ियाघर घूमने आ रहे हैं तो आप हो सके तो नवंबर से फरवरी के बीच में आएँ, क्योंकि उस समय यहाँ का मौसम काफ़ी अनुकूल होता है और यहाँ घूमने एंजॉय करने में काफ़ी आसानी होती है। और साथ ही चिड़ियाघर में आपको थोड़ी थोड़ी दूर में जगह जगह इस तरह के बच्चों के पार्क भी देखने मिल जाएंगे। अगर आप बच्चों के साथ आए हैं तो इन पार्कों में, इन झूलों में एंजॉय कर सकते हैं। आप लोगों ने अभी तक चिड़ियाघर में मौजूद हाथी, शेर, भालू, जिराफ, मगरमच्छ, गेंडा वगैरह वगैरह प्रकार के हर पंछी और जानवर देखे। अभी आपको मैं एक बहुत ही खास चीज़ दिखाने वाला हूँ जो चिड़ियाघर की जान है, वो है नंदनकानन म्यूजियम। दोस्तों, इस म्यूजियम में आपको हर प्रकार के जानवर और पंछी और पंजन एनिमल और साथ ही उनके अंडे भी देखने को मिलेंगे। तो अब हम आपको लेकर चलते हैं म्यूजियम की तरफ। दोस्तों, जो म्यूजियम है ये जैसे आप नंदनकानन से एंट्री करते हैं, एंट्री करते ही बना हुआ है। अगर आप पहले म्यूजियम घूमना चाहते हैं तो नंदनकानन में एंट्री करके आप पहले म्यूजियम घूम सकते हैं, या पहले चिड़ियाघर घूमना चाहते हैं तो वापसी में आके भी आप म्यूजियम घूम सकते हैं। इस म्यूजियम को ज़रूर घूमें, क्योंकि यहाँ पर मौजूद नंदनकानन में सभी प्रकार के जानवरों की यहाँ पर स्टैचू के माध्यम से दिखाया और दर्शाया गया है। साथ ही यहाँ पर जानवरों के जो प्रजनन शिशु होते हैं उनको भी दिखाया गया है और उनके अंडों को भी। तो जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ेगा आप सब प्रकार के देखेंगे। जो प्रजनन पशु है उन्हें यहाँ कंटेनर में पैक करके रखा गया है, ये आप देख सकते हैं दोस्तों। लायन के जितने भी जानवर हैं उनके इसमें प्रजनन शिशु रखे हुए हैं, और जो भी अंडे देने वाले हैं यहाँ उनके अंडे रखे हुए हैं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मिलते हैं बहुत जल्द एक नई यात्रा में। तब तक के लिए जय जगन्नाथ, जय श्री राम।